हेलो एवरीवन, ये एक ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो होने वाला है जीबीपी यूएसडी में। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम से। टॉप डाउन एनालिसिस जरूरी है, बेहतर है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में। सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे स्ट्रेटेजी में बेसिकली चार चीज़ें हैं, चार वेरिएबल हैं। तो पहला है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फिर है सप्लाई डिमांड, फिर है प्राइस एक्शन, और भी एक चीज़ है लिक्विडिटी, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो अभी ऑफकोर्स कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा समझने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगा आपको ईजीली चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। अगर तुम लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मैं एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, कौन सा वीक है, कौन सा कंसिडर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ लिक्विडिटी के ऊपर भी, साथ ही साथ सप्लाई डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, एंट्री मॉड्यूल, फिर प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उन सब चीज़ों पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए बस एक ओवरव्यू ले लो ट्रेड ब्रेकडाउन मैंने कैसे एनालाइज किया, ठीक। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट फिल होने के बाद प्राइस एक अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट देता है, जरूरी नहीं है कि दे हो सके। प्लस और एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक हाई था, इसके ऊपर लिक्विडिटी बहुत सारा था, प्राइस ने उस हाई को लिक्विडेट किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ से पुल बैक दे सकता है। फिर वीकली टाइम फ्रेम जाते हैं, देखो प्राइस स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है, पर हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पुल बैक। रीज़न क्यों है, तुम्हें पता है कि प्राइस हमेशा ऐसे मूवमेंट नहीं करता, प्राइस हायर है, हायर लो, जो भी बोलो, ठीक है, एक पुल बैक तो रहता है ना हमेशा। तो ये पुल बैक कैच करने के लिए हम एक सेल मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल दो तुम यहाँ से, मतलब इस कंडीशन में तुम बाय भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम सेल, ठीक है। मैंने भी बाय किया है, कल बाय किया था, परसों बाय किया था, तो आज भी मैंने बाय किया है बेसिकली, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर बाय किया था। देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। अब लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। मैंने इसको सप्लाई जोन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, इसने एक स्ट्रक्चर चेंज किया है। क्या मतलब इसका, ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है, येलो, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कुछ भी हो। तो इस सप्लाई जोन के पास इतना पावर था कि बेसिकली उसने क्या हद है कि ये सप्लाई जोन के पास इतना पावर था कि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब चलते हैं फोर वीकली देख लिए, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली में देखो, यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में सिंपली देख रहा होगा कि प्राइस बुलिश है, हायर हाई न्यू हाई फॉर्म करता है। यहाँ पे एक बेसिकल डिमांड जोन था, प्राइस डिमांड जोन को टैप करके ऊपर गया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे और एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। इन फ्यूचर प्राइस कभी भी यहाँ पे आएगा तो तुम यहाँ से बाय के लिए देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर तुम यहाँ से बाय करो ऑल द वे वहाँ तक होल्ड करना, स्मॉलर टाइम फ्रेम में तुम्हें एंट्री लेना है और एग्जिट लेना है 1:3:5, जो भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से। अब देखो, ये जो प्रीवियस हाई है, उसने उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ बेसिकली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई था। देखो वहाँ से कितना मार्केट नीचे आया था, वहाँ से प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है, और यहाँ पे जो ब्रेक किया है, दो तीन कैंडल देखो, ये कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इन तीनों के बीच में जो भी गैप है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। उस फेयर वैल्यू गैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने प्रीवियस हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन फ्यूचर अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दे, या फिर पूरा फिल कर दे, या फिर टच ही कर दे, उसके बाद तुम वहाँ से बाय की ओर देख सकते हो, सिंपल। अब चलते हैं 4 आवर में, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई भी कर सकते हो, मगर डेली जिस हिसाब से हो उस हिसाब से रहना सही है। अब देखो क्लोजली देखो,
प्राइस हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया मगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर सका। ब्रेक मतलब बॉडी के साथ ब्रेक करना है, वीक के साथ नहीं। प्राइस बस लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर एक इम्पल्स मूव दिया। जब दोबारा प्राइस नीचे आया उसने यहाँ पे फाइनली चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो यहाँ से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत बियरिशनेस आए, ठीक है। मार्केट में बियर लोग हैं, ठीक, ट्रेडर हैं बेसिकली, मगर ये नहीं कि तुम यहाँ से बाय नहीं कर सकते। ऑफकोर्स तुम यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है, जो हमने आज किया। तो 4 आवर बियरिश हो चुका है और 1 आवर में देखते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस करोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा चीज़ों को समझने के, ठीक है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहना देता हूँ। 1 आवर में देखो, प्राइस हायर हाई, हायर लो, हाई हाई, लोअर लो, प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका था, वापस से प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई फॉर्म किया, फिर दोबारा से लोअर लो। यहाँ पे एट दिस पॉइंट 2 लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से प्राइस प्योरली गिरी से तुम यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे बैठा था बाइंग के लिए, क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम देख रहे हो कितना स्ट्रांग मोमेंटम है, इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ से बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, मगर तुमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना आना चाहिए, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस जगह से तुम सेल लोगे, किस जगह से तुम बाय लोगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तुम किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में देखो, इतना स्ट्रांग मार्केट स्ट्रक्चर में भी मैंने यहाँ पे सेल किया था ये सेल, ठीक है। तो ज़रूरी है कि तुम POI ढूंढना आना चाहिए तुम। इसके पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, जस्ट इससे पहले 15 से 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, मगर उसमें साउंड नहीं आया, पूरा मूड खराब हो गया, ठीक है। अब देखो 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, प्राइस बेयरिश है मगर फिर भी हम बाय देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस बुलिश है, ठीक है। अब चलते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर से सीधा 15 मिनट में, 30 मिनट यूज़ नहीं करता, बस ऐसे ही ऐड करके रखता हूँ। अब 15 मिनट में देखो, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ये तुमको फाइट वाला बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। फाइट वाले बॉक्स के लिए तुम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना और सर्च करना एशियन रेंज बाय निको। बेसिकली एशियन सेशन में जितना भी मार्केट मूवमेंट होता है उसका हाई और लो शो कर देता है, दोनों हाई और लो के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी रहता है। प्राइस किसी भी एक डायरेक्शन का लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब करता है, तुम वहाँ से सेल की ओर देख सकते हो ताकि दूसरे डायरेक्शन का लिक्विडिटी ग्रैब हो। अब ये कितना बार होता है? 10 में से 6 बार, यानी 10 में से 6 दिन लगभग ये ऐसे होता है कि प्राइस हाई ले लेता है फिर सेल लेता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि थोड़ा ऊपर जाके मतलब थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाएगा फिर अपोजिट डायरेक्शन, या फिर बहुत ऊपर जाएगा बहुत नीचे जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखते हैं एक सेकेंड। तो प्राइस प्री मार्केट में मेरा ये प्लान था कि ये एशियन रेंज, ठीक, क्लियरली देखो ये एशियन रेंज है, प्राइस एशियन लो ले ले फिर मेरा डिमांड टच कर दे, मैं यहाँ से बाय करूँ। तो बेसिकली बुलिश बियरिश दोनों साइड का था, मगर मैं ज़्यादातर बाइंग दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, अब तुम्हें पता नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, लिक्विडिटी की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये लिक्विडिटी मैंने कैसे ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, देखो कितना माइनर चीज़ है मगर कितना मेजर इंपैक्ट देता है। वहाँ से देखो प्राइस कितना मूवमेंट हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस बस लिक्विडिटी ले लेता है फिर बिना डिमांड जोन टच किए ऊपर चला जाता है, बहुत रेयर सिचुएशन। तो यहाँ पे प्राइस पिछला रात को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, रेंजिंग हुआ, एशियन सेशन जैसे ही ख़त्म हुआ। एक चीज़ देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, बियरिश था, ये दिख नहीं रहा है बेसिकली। कौन सा कलर रखूँ जो तुमको दिखे? तो ब्लैक तो मैच हो गया, ये सही है, देखो बियरिश था, ठीक है। प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, अब देखो ऑलमोस्ट सेम हाई फॉर्म किया, फिर नीचे आया। ये देखो लेफ्ट हेड राइट शोल्डर दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो मुझे यहाँ पे एट दिस पॉइंट लग गया कि ठीक है, प्राइस बिना डिमांड जोन टच के यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ से बाय की ओर ट्रेड ले सकता हूँ, सिंपल है। अब देखो ये देखो, ठीक है,
तो अब मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस डिमांड जोन पे टच करे वापस से ऊपर जाए, क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से ऑलमोस्ट बुलिश हो चुका है, ठीक है। फिर से कलर चेंज हो गया, ठीक है। प्राइस ने एशियन हाई लिया, अब देखो मैं 5 मिनट में जाता हूँ ताकि क्लियरली तुमको दिख सके। 5 मिनट में एशियन हाई लिया, अब यहाँ पे तुमको क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल रेजिस्ट किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल वापस से थोड़ा अंदर आ जाता है, ये तुमने बात किया है, इसलिए मैं और एक कैंडल का वेट करता हूँ। जैसे ही दूसरा कैंडल बुलिश क्लोज करता है मैं वहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है। और स्टॉप लॉस प्रीवियस लो, जैसे कि अगर प्राइस बुलिश है, अगर तुम यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो बेहतर होगा तुम स्टॉप लॉस प्रीवियस लो में रखो, ताकि प्राइस एक अच्छा सा स्पेस दे सको मूवमेंट के लिए। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, ऑलमोस्ट प्राइस SL के आसपास 70% आ चुका था, फिर वहाँ से अपोजिट गया, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस 2 कैंडल के नीचे, 7 पीप का स्टॉप्स था मुझे याद है, ठीक है। और टारगेट, टारगेट भी जरूरी है, ऐसे रैंडमली टारगेट नहीं रख सकते, रैंडमली रखोगे तो फिर टारगेट के पहले ही चला जाएगा। ये देखो ये एक लिक्विडिटी है, क्योंकि 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 ये देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर नया लो, मगर ये जो हाई है इसने कुछ लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक करता तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते, यहाँ पे एग्जिट कर लेते, मगर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ये एक फॉल्स सप्लाई जोन है जिसको हम स्मार्ट मनी ट्रैप भी बोलते हैं, बट जो भी बोलो कि इसका हाई जो है ये लिक्विडिटी है, बेसिकली लिक्विडिटी है। तो क्या मैंने टारगेट 1 उसके ऊपर सेट किया, ठीक। ये लिक्विडिटी के बाद मुझे पता था ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है जहाँ से प्राइस नीचे आ सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आएगा तो इसका हाई एक टारगेट 2, ठीक है। और जैसे ही ये टारगेट 2 अचीव कर लेता और थोड़ा ऊपर के बाद यहाँ से अपन सेल के लिए देख सकते थे, ठीक। मगर प्राइस ने फर्स्ट सिनेरियो से ही प्राइस नीचे आ गया, सिंपल है। तो मैंने यहाँ कटोकट यहाँ पे 1:3 से एग्जिट किया। रीज़न क्या है, मुझे थोड़ा बियरिशनेस ज़्यादा दिखा तो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया, बेहतर हुआ मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया, बेसिकली वहाँ से सेल भी ले सकते थे। अब एक चीज़ देखो, टारगेट 1 अचीव हुआ, टारगेट 2 अचीव नहीं हुआ था उसके पहले मैंने एग्जिट कर लिया, क्यों? मार्केट कंडीशन, उनको मार्केट के साथ साथ चेंज होना, मार्केट बिहेव करेगा उस हिसाब से जैसे वो मूवमेंट करेगा। मार्केट हमेशा सही रहता है, गलत होगे तो तुम गलत हो। टारगेट 1 अचीव किया, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, तुम यहीं से सेल का एंट्री ले सकते थे, यानी मैं ले सकता था क्योंकि मैंने लिया नहीं, मुझे लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा वहाँ से सेल ले लेंगे, मैं गलत था, ठीक। और मैं यहाँ से बाय की ओर भी देख रहा था मगर मैंने लिया नहीं, ये पॉइंट से बाय किया, मुझे लगा कि यहाँ से ऐसे जाएगा फिर वहाँ से सेल जाएगा, मगर यहाँ से थोड़ा सा इम्पल्स मूव दिखा। ऑल दो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता ये स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक होता मैं यहाँ पे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में शिफ्ट कर देता, ठीक है। मैंने नहीं लिया, प्राइस थोड़ा सा इम्पल्स मूव वहाँ से दिया इस डिमांड जोन के हिसाब से। अब तुम बोलोगे ये डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया, डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इसको अननोन रहने दो, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा इंपल्स ऊपर की ओर गया, फिर वापस से प्राइस नीचे आ गया, ये डिमांड फेल हो गया क्योंकि ऑलरेडी इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया हुआ था और उस हिसाब से उसने मोमेंट दिया। तो यही था आज का ट्रेड, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मार्केट स्ट्रक्चर जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो हम मार्केट स्ट्रक्चर पे करेंगे क्योंकि वो बेस चीज़ है, उसके बाद लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गया थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम एक बार स्पेंड करो कम से कम 3 महीना एक स्ट्रेटजी पे और कुछ पेयर पे, मैं सिर्फ और सिर्फ GU गोल्ड पे, ये दोनों GBP USD और गोल्ड ट्रेड करता हूँ। मैंने रिसेंटली ऐड किया है EURUSD क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके, और अपॉर्चुनिटी अगर मुझे 3 मिलता है मैं वो 3 को फिल्टर आउट करूँगा और हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1 या मैक्सिमम 2 पर डे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना अपॉर्चुनिटी मिले उतना ही ले लो, जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखो यही था आज का ट्रेड, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे किया मैंने, एनालिसिस सही था,
तो यहाँ से सेल भी ले सकते था। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ सीखना है एक्स्ट्रा और फिर कुछ कुछ भी ज़्यादा डाउट है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने नीचे अपना टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा 28-27 लोग हैं बस, जिसमें मैं एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। मैं पिछले 2-3 महीने से ऑफलाइन था, अब मैं अपडेटेड हो चुका हूँ, अब मैं देखो बैटरी भी लो है, ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। जो भी डाउट है तुम वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है वीडियो के फॉर्मेट में, वॉइस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में तो मैसेज भेजो, मैं तुमको रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू।